अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। What happened, sir? No idea. वो शायद पीछे कुछ काम कर रहा है, जल्दी शुरू हो जाएगा। Yeah. मैं देखती हूँ। क्या हो रहा है? शुरू का ही नहीं हो रहा है। शुरू कैसे होगा? जिनको श्री राम और माता सीता बनना था वो तो क्या बात है? शुरू क्यों नहीं कर रहे? What's going on? सीएम साहब बैठे हैं, कैसे शुरू करेंगे? शुरू करें मैडम? अभी नहीं बेटा, रुको। राम सीता वाले एक्टर्स कहीं दिख ही नहीं रहे। मैम, वो लोग मेकअप रूम में भी नहीं है। व्हाट? कॉल करो उनको। फोन स्विच ऑफ है मैम, दोनों की। व्हाट नॉनसेंस! क्या हुआ? कब शुरू होगा? मालूम नहीं, राम जी और सीता जी नहीं मिल रहे। ओह नो, तुम अनाउंस कर दो कि लव कुश ड्रामा नहीं होगा। मैडम, राम और सीता का रोल किसी और से करवा लेते हैं। व्हाट आर यू सेइंग? इस आखिरी समय में राम जी और सीता माँ के डायलॉग्स कौन याद करेगा? कोयलिया, अपना अपना पंक्ति का अभ्यास कर। अच्छा, एगो काम करते हैं कि हम माता सीता का पंक्ति बोल देते हैं, तुम कुछ का बोल दो, ठीक है? ओके अम्मा। स्पर्श करो चरण, ये पिता है तुम्हारे। माँ के आदेश पे हम शीश नवाए। अयोध्या पति प्रभु श्री राम है। आप हमारी 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 माता सीता है। माता सीता है। शाबास अम्मा, तुमको सब याद है ना? माता सीता की लाइन भी और मेरी भी। भाई क्यों गजबे है ना? मैं लव की लाइन बोलूंगी, आप श्री राम की। ओके। प्रभु श्री राम हम पुत्र है आपके। धन्य हुए हम समीप देख के, माँ भी आई है संग हमारे। नहीं, ये मेरी लाइन है। माँ भी आई है संग हमारे, अब आप बोलो। विवल हुए जाते वही अश्रु हमारे। शाबाश। थैंक यू। रामा हो जो मैडम। कैसे? श्री राम और सीता, उनके बिना सीता मैया की लाइन आती है किसी को? और श्री राम के भी। सच? किसको? सीता अम्मा को और राम पापा को। राजीव जी, आज आप जो कर रहे हैं, शब्दों में मैं आपका शुक्रिया नहीं कर सकती। इतनी ऊंची पोजीशन पे होते हुए और इतनी व्यस्त लाइफ के बावजूद भी प्रभु राम की भूमिका को अदा करने के लिए तैयार हुए, स्कूल का मान और इज्जत बचाई है। I can't tell you how grateful I am। मैम, ये तो हमारा सौभाग्य है। और सच कहे तो ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। और अपनी बेटी जैसी बेटी के लिए भी। आपकी अम्मा सीता जी के रोल के लिए तैयार है? बिल्कुल। और सीता जी के मेकअप में अम्मा गजब लग रही है। और हीरो अंकल, जैसे आपको राम जी की लाइनें याद है ना, अम्मा को भी सीता जी की लाइनें याद है। सेम टू सेम। वाओ।
ड्रामा के एन वक्त पे हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुहु। अरे मैडम आप ऐसा काहे कह रहे हैं, आपके लिए तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वैसे भी हमारे कारण इन दिनों में आपको बहुत तकलीफ हुआ है, काश ये सब बात हम आपको पहले बता दिए होते तो। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर हमने वहाँ की सीसीटीवी कैमरा चेक की थी और ये बात सही थी कि कुछ लोगों ने बाहर से दरवाजा बंद किया था। लेकिन कौन थे वो लोग, पता चला? स्कूल के तो नहीं थे, पर कहीं बाहर से स्कूल में घुस आए थे। हर वो सब छोड़ो, तुम्हारे और राजीव जी के बीच में सब कैसा है? वो थोड़ा गलत फहमी था, अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। ये तो बहुत अच्छा है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, अब लव कुश नाटिका को तुरंत शुरू करना होगा, पब्लिक थोड़ी बेचैन हो रही है। जी जी तुरंत तुरंत आते हैं, जल्दी जल्दी कर दीजिए। अम्मा कैसी है हमारी कोयलिया? बहुत हैप्पी। अच्छा, मेरी अम्मा सीता मैया बन रही है। और प्रभु श्री राम कौन बन रहे हैं? कनक के पापा? अम्मा, अब हम चारों स्टेज पे रहेंगे जैसे एक फैमिली। अच्छा मैं जाती हूँ। कहाँ? हीरो अंकल अपने राम पापा के पास। अच्छा जा। चलो अच्छा है, इस बहाने कनक के पापा से भेंट हो जाएगा। कितना बार भेंट होते होते रह गया था। पापा आज बहुत मजा आएगा। क्यों? आप, मैं, कोयल, अम्मा, एक स्टेज, एक फैमिली। चलो आज फाइनली कोयल की अम्मा से मुलाकात हो ही जाएगी। हद है, जिनको मिलने से रोकती रही वो मिलने जा रहे हैं, जिनको दूर रखना था वो करीब आ रहे हैं। हमारी चली हुई चाल, फेंका हुआ पासा उल्टा पड़ गया, सारा खेला बिगड़ गया। अभी हैप्पी फैमिली। ओहो राजीव, कनक, कोयल स्टेज पे होंगे। वो हार गई हंसनी, तू हार गई, हम हार गए। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक सेकेंड रुको जरा, एक सेकेंड, हम नहीं हारे हैं। हाँ इसे कैसे नहीं हारे हैं हम? ये हैप्पी फैमिली स्टेज पे होगी, हजूर का झटका लगेगा। कोयल राजीव को नहीं, कुहू राजीव को कनक के साथ देख लेगी। कनक, हमारी और राजीव की बेटी कनक, यानी कि राजीव ने दूसरी शादी कर ली, घर बसा लिया। अब तेरा क्या होगा कुहिया? पर इनके बढ़ते प्यार इस मोहब्बत के चलते अगर कुहू निकल पड़ी सच का पता लगाने, अगर उसको पता चल गया कि हम कनक को चंदेल भवन में लेकर आए हैं ये बोल के कि वो राजीव की बेटी है, फिर तो वो तह तक जाएगी, कनक का सच ढूंढ के रहेगी कि कनक की असली माँ कौन है। नहीं, इससे स्टेज का खेला बहुत रिस्की है। नहीं नहीं, नहीं होने दे सकते कि क्या क्या करें हम? लव कुश नाटिका के शुरू होने में हुई देरी के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आइए बिना और विलंब करे देखते हैं लव कुश। सुनो कथा राम की, अयोध्या के श्री राम की, ताड़ का वध किया जिसने, वन जहाँ पहुँचे श्री राम की।
सीता को जब ले गया रावण, किया लंका का रघु ने दमन। लौटे सिया संग अयोध्या नगरी, उस दिन हुई दिवाली। पर प्रजा ने संदेह किया, प्रभु राम ने तब पतली सीता को सबके आगे त्याग दिया। वाल्मीकि के आश्रम में सिया के दो सुकुमार हुए, नाम थे जिनके लव कुश। कौन हो तुम लोग? हम सीता पुत्र लव कुश है महाराज। हम सिया राम पुत्र लव कुश है रघुनंदन। आप हमारे पुत्र हैं? हमारी और सिया की पुत्र? जी महाराज, आपके पुत्र। और ये बच्चा? हमारा बच्चा है। कैसे? कब? हमारा रिश्ता उस पड़ाव तक पहुंचा ही था ना को कि हमारे पिता बनने की संभावना। जब इंसान की चोरी पकड़ी जाती है वो इसी तरह से मुंह छुपा कर भागता है। इसका प्रमाण? प्रमाण हमारी बात, हमारे गुरु का लिखा हुआ बात, जो कभी झूठ नहीं हो सकता। हमारी माता सीता की वाणी, उससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। अभी आपको संदेह है कि हम आपके पुत्र हैं? नहीं, कभी नहीं, देश मात्र संदेह नहीं। हमारी माता के कहे वचनों पे हमें रत्ती पर भी संदेह नहीं। पर क्या प्रभु? पर ये प्रजा प्रमाण मांगती। प्रमाण दो, प्रमाण दो, प्रमाण दो, प्रमाण दो। देखो को, हमको हमारे सवाल का जवाब चाहिए बस। और ये बच्चा? हमारा बच्चा है। कैसे? आप हमारी माता सीता पे संदेह कर रहे हैं? नहीं नहीं, सीता पर तो हम संदेह कभी नहीं कर सकते। फिर प्रमाण क्यों? क्यों प्रमाण? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। क्या हो रहा है? कहाँ है वो? मैडम हमसे नहीं हो पाएगा, हमको माफ कर दीजिए। अरे पर हमसे हो नहीं पाएगा। ऐसे कैसे? दो
के पास कहीं का? फिर क्यों दिया आपने हमारी माता को इतना बड़ा दंड? क्या घूस थी उनकी? क्या थी उनकी त्रुटि? उनकी पवित्रता पे संदेह था आपको? उनके मर्यादा पे शंका थी आपको? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ है सीते? कहाँ है सीते? कहाँ है तुम्हारी माता? हमको उन पर कभी संदेह नहीं था, कभी नहीं थी शंका। पर प्रजा, प्रजा इस सिंहासन की मर्यादा के लिए, लोकाचार और लोकमत के लिए सीता को इनके सामने आना ही होगा। आप दोनों हमारे पुत्र हैं, इसकी शपथ उनको लेनी होगी। हम उपस्थित हैं। अचानक का हो गया, उसको हमने बताया तो था राजीव बाबू के बारे में, फिर वो इसे चौक काहे गई? पापा आपकी लाइन। अगर सीता इस प्रजा के आगे, इस सभा के आगे ये शपथ देती है कि ये दोनों पुत्र हमारे हैं तो ये सारी दुविधा, सारे संदेह खत्म हो जाएंगे। अयोध्या की महारानी के नाते, अयोध्या की मर्यादा के नाते उनको ऐसा करना होगा। हमारा रिश्ता उस पड़ाव तक पहुंचा ही था ना को कि हमारे पिता बनने की संभावना हो। ये ड्रामा खत्म हुआ कि नहीं? ये रो रोकर अपनी कहानी सुनाएंगे, भूत भविष्य की कहानी सुनाएंगे, अपना दुखड़ा सुनाएंगे, फिर ना कोई रंजिश रहेगी, ना कोई गिले सिख पे। हम कभी प्रभु राम के अलावा किसी और पुरुष की कल्पना भी नहीं किए। हमारे चेतना में, हमारे आत्मा में और हमारे मन में कभी किसी का ध्यान नहीं आया। इस बात को अगर हमें साबित करना होगा तो हम अब और परीक्षा नहीं देंगे। हे धरती माता, प्रार्थना है तुमसे, हमें अपने आंचल में ले लो, अपने गोद में ले लो हमें। हे ड्रामा को रोकना होगा, तुरंत रोकना होगा, नहीं तो तेरा खेल खत्म। हंसनी कैसे रोके, कैसे रोके, समझ नहीं आ रहा। मिल गया तरीका, अब होके रहेगा खात्मा। अभी इसी वक्त एक साथ यहीं पर। अगर हमने अपने पति को अपना आराध्य माना है, अगर मन वचन प्राण अपने पति पे अर्पित किया है, तो हे धरती माता हमें अपने साथ ले चलो। नहीं सीते, नहीं,
अपने पति के प्रति हमारी निष्ठा, हमारी भक्ति, हमारी प्रेम, हमारी सेवा में लेश मात्र का भी कमी रहा, तो हे धरती माता, हमें अपने आप में संभालो। नारी होने की बड़ी सजा पाई है हमने, अब हमें यहाँ से ले चलो माते। पुत्री, इस संसार में तुमसे ज्यादा पवित्र और पतिव्रता नारी कोई नहीं, परंतु ये संसार तुम्हारे योग्य नहीं है। एक माता के आंचल में पुत्री के लिए हमेशा स्थान होता है। आओ आओ पुत्री आओ। नहीं सीते, सीते नहीं, नहीं सीते, सीते माता नहीं, माता नहीं, माता सीते नहीं, नहीं माता नहीं। अजीब जिद्दी रस्सी है, कट ही नहीं रही, इसे काटते काटते तो लपकुस की लीला खत्म हो जाएगी। माते, 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 सीते, माते। हो गया काम तमाम, अंदर नाटक खत्म, यहाँ तू खत्म, रस्सी कट ही नहीं रही है। निकल जा तू यहाँ से हंसनी, निकल जा, इससे पहले कोई तुझे देखे तू भाग जा यहाँ से, तेरा खेला खत्म।